हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम जो है 8th क्लास के एनसीईआरटी साइंस कर रहे थे। आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 8 हमें स्टार्ट करना है, डेट इज़ फोर्स एंड प्रेशर। आई होप आपको जो ये वीडियोस हैं वो काफ़ी हेल्प कर रही होंगी। एनसीईआरटी में जो है एनसीईआरटी साइंस आपके लिए पढ़ना बहुत ईजी हो गया होगा, और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं या आप 8th क्लास में या फिर किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है आपके लिए वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आपको जो है एनसीईआरटी पूरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी आपको एनसीईआरटी साइंस की ज़रूरत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर में आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ ही की पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले फोर्स क्या होता है। फोर्स आपके पास क्या होता है, एक बेसिक डेफिनेशन है, एवरी पुश एंड पुल, ठीक है। बस ये ध्यान रखो कि पुश एंड पुल को ही क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, इज कॉल्ड फोर्स। इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में जो है फोर्स की डेफिनेशन के लिए ऊपर का कुछ नहीं पढ़ना। ये सब जो है फोर्स एंड जो पुश एंड पुल है उसी को दिखाया गया। पुश एंड पुल को आप कहाँ कहाँ देख सकते हो, किक करने में, ओपन करने में, किसी चीज़ को शट करने में, बंद करने में, पिकिंग करने में किसी चीज़ को। जैसे आप पिकिंग का मतलब क्या होता है, उठाना किसी चीज़ को, हिट करना, लिफ्ट करना, फ्लिकरिंग करना या फिर पुश करना, ये सारी चीज़ें जो होती है पुश एंड पुल होती है, ठीक है। मतलब कहीं भी आप, जैसे अब मैं ये जो है पेन उठा रखा है, ये फोर्स है, ठीक है। मैंने किसी चीज़ को उठाया, वो फोर्स है। तो जो भी आप काम कर रहे हो वो फोर्स होती है, ठीक है। इसको याद रखने का बस एक यही तरीका है, एवरी पुश एंड पुल, हर एक पुश एंड पुल जो होता है वो आपके पास क्या होता है, फोर्स होता है। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है कि फोर्स लगने के लिए दो बॉडीज़ का क्या होना चाहिए, आपस में कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो दो कॉन्टैक्ट में होंगी बॉडी तभी फोर्स लगेगी, अदरवाइज़ फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। मैं इस पेन पे लगा रही हूँ तो मेरे हाथ में पेन है, दो बॉडीज़ हो गई, ठीक है। अब ये फोर्स लगती क्यों है भाई, ऐसा क्या रीज़न है फोर्स के लगने का, ठीक है। फोर्स आपके पास जो है क्यों लगती है, तो आपके पास देखो यहाँ से इसको जो है ईजिली समझ सकते हो कि फोर्स एक क्या है, इंट्रैक्शन है आपस में। इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से इंट्रैक्ट होना, मिलना, ठीक है, इंट्रैक्ट होना। वो चाहे आप अच्छे हो, बुरे हो, किसी तरह से भी हो, बस दो चीज़ों का आपस में मेल होना वो इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। उसके लिए देखो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, ये जो है गाड़ी है, यहाँ पर ये आदमी खड़ा है, अगर ये इसको जो है यहाँ पर धक्का नहीं देगा तब तक ये नहीं जाएगी आगे, जैसे ही धक्का देगा ये आगे जाएगी, यानी कि कॉन्टैक्ट में आ गया इसकी। ये दो लड़कियां हैं आपस में, ये क्या कर रही है, तो इसको देखो पुश कर रहा है, और ये आपस में क्या कर रही हैं, पुल कर रही हैं एक दूसरे को, ये उधर खींच रही है, उधर खींच रही है, तो ये पुल हो गया। गाय और ये जो इंसान है ये भी क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो पुल एंड पुश यानी कि दो इंसानों का आपस में इंटरेक्शन होना वो क्या होती है, फोर्स होती है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कर रही हैं, पुश कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके पास यहाँ पर दो चीज़ें पता लगी कि एवरी पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, और दूसरा फोर्स लगने के लिए हमेशा दो बॉडीज़ का आपस में कॉन्टैक्ट में रहना ज़रूरी, और कम से कम दो बॉडीज़ का होना ज़रूरी है, अदरवाइज फोर्स नहीं लगेगी। अब दूसरी बात, क्या फोर्स हमारे पास डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, क्या शेप को चेंज कर सकती है, ये चीज़ें पढ़नी है अभी हमें। उससे पहले कि ये टग ऑफ वॉर का एग्जाम्पल है, देखो ये जो है आपने रस्सा कस्सी का गेम खेला होगा, जहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं उधर जो है रस्सी गिर जाती है, अदरवाइज रस्सी बीच में ही रहती है। तो ये ज़्यादा फोर्स लगाने का क्या मतलब है, कभी भी अगर आपके पास ये कोई बॉक्स है, यहाँ पर एक इंसान खड़ा है, ठीक है, एक इंसान यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को ये भी पुश कर रहा है, ये भी पुश कर रहा है। अब ये बॉक्स जो है जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वहाँ पर क्या करेगा, वो इंसान जो है इसको दूसरी तरफ धकेल देगा, ठीक है। तो ये जो है फोर्स लगा रहा है, तो इसमें नेट फोर्स क्या होती है, जो इसकी फोर्स है जो इसकी फोर्स है दोनों को आपस में माइनस किया जाता है तब हमेशा जो फोर्स आती है। तो आपसे ऑप्शन में क्या पूछा जा सकता है कि नेट फोर्स, वर्ड आपको दिख जाए तो नेट फोर्स होती है हमेशा, जो टोटल फोर्स होती है वो नेट होती है, ध्यान रखना। टोटल फोर्स जो होती है, आप टोटल पर टिक करोगे टोटल नहीं होती, वो नेट फोर्स होती है, और नेट कैसे निकलती है, माइनस करके। अगर आप सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो ऐड होती है, और अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हो तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, यानी कि दोनों का क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, क्लियर। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स है, जैसे देखो ये बॉक्स है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो फोर्स ऐड होगी, ज़्यादा फोर्स होगी तो बॉक्स आसानी से उधर ले जाएंगे। अब ये देखो ये इधर लगा रहा है फोर्स और ये इधर लगा रहा है फोर्स, अपोजिट लगा रहे हैं, तो ये बॉक्स नहीं जाएगा यहाँ से, जिसकी तरफ ज़्यादा फोर्स होगी उधर चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि दोनों की फोर्स का क्या होगा, डिफरेंस होगा, और इसको डिफरेंस करने को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ वैल्यू, जैसे आपके पास न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन,
ठीक है। अगर आपके इस वाली इंसान ने लगाई 10 न्यूटन, फोर्स इसने लगाई 5 न्यूटन, दोनों का माइनस कर दो यानी कि 10 माइनस 5, तो 5 न्यूटन आया। ये 5 जो होता है इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है जो फोर्स है, क्या मोशन की स्टेट को चेंज कर सकता है, वो शेप को चेंज कर सकता है, और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोशन, हाँ बिल्कुल, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, ये एक्टिविटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बोल का एग्जांपल लेके इन्होंने बताया है। ठीक है, देखो क्या है आपके पास स्टेट ऑफ मोशन, एक बॉडी जो है चल रही है, ठीक है चल रही है, आपकी मर्जी, आप उसे रोक सकते हो। आप अपना जैसे एक बॉल फेंकी, उसको हाथ से रोक दो, रुक गई, ठीक है। गाड़ी चल रही है, उस पर ब्रेक मार दो, रुक गई। तो ये सारा जो है डायरेक्शन को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। एक जो है गाड़ी खड़ी है घर में, आपने उसे चलाया तो वो चली है, वरना अपने आप तो नहीं चली। यहाँ पे एक बुक रखी है, ये बुक जब तक मैं इसे नहीं उठाऊंगी अपने आप तो उठ के नहीं जाएगी, तो यानी कि मोशन चेंज कर देती है, रेस्ट को जो है मोशन में ले आती है, मोशन को जो है आपके पास रेस्ट में कर सकती है। तो ये सारे चेंजेस इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स जो है डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, फोर्स जो है आपके पास मोशन भी चेंज कर सकती है, स्पीड भी चेंज कर सकती है। अगर सेम डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ जाएगी, अपोजिट में तो घट जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो, जो आप ये टायर से खेलते थे पहले, देखो ये रहा, अगर आप टायर से खेलते थे तो पीछे से इसे फोर्स करते रहते थे, सेम डायरेक्शन में कर रहे हो तो ये स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि फोर्स आपके पास स्पीड को बढ़ा देगा अगर सेम डायरेक्शन में लगा रहे तो। अपोजिट में लगा रहे हो तो रुक जाएगी, जैसे ये बॉल थी, बॉल यहाँ पर जो है आके रुक जाएगी, अपोजिट की आप ऐसे पुश कर रहे हो, बॉल ऐसे आ रही है तो रुक जाएगी बॉल, ठीक है, स्पीड कम कर देगी अपनी। यहाँ से पता लगा कि हाँ फोर्स जो है अपनी मोशन को चेंज कर सकती है। बता दिया मैंने आपको कि फोर्स बिल्कुल चेंज कर सकती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, फोर्स जो है डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, शेप को चेंज कर सकती है, ठीक है, और मोशन को भी चेंज कर सकती है। मतलब मोशन मतलब रेस्ट से मोशन में आ सकती है, मोशन से रेस्ट में आ सकती है। तो ये तीन चीज़ें जो है ये कर सकती है। शेप को कैसे चेंज करेगी, शेप को देखो, आटा है, आटे पे फोर्स लगाते हो तो आपकी मर्जी, आप इससे रोटी बना लो या कुछ कर लो। साइकिल की गद्दी है, उसके स्प्रिंग नीचे दब जाते हैं, ठीक है। या आपने कोई भी रबड़ की तार लटका दी, इसमें अगर नीचे कोई वेट लटका दिया तो ये फोर्स जो है यहाँ पे लगेगी और ये तार जो है नीचे चला जाएगा, रबड़ जो है नीचे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है चेंजेस। उसके बाद अब यहाँ से फोर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखो, रेस्ट से बॉडी को चलाना शुरू कर सकती है, स्पीड चेंज कर देती है, डायरेक्शन चेंज कर देती है, अभी बताया मैंने, शेप चेंज कर देती है, और ये सारी चीज़ें इकट्ठी भी लग सकती हैं और अलग अलग भी लग सकती है। तो आप बोलोगे बॉडी को फोर्स, फोर्स की पूरी डेफिनेशन एग्जैक्ट ये बनती है। फोर्स एक ऐसा पुश एंड पुल है, याद रखना इस डेफिनेशन को, कहीं भी आप पढ़ाओ कल को, फोर्स एक ऐसा पुश एंड पुल है जो आपका क्या करता है, बॉडी की शेप को चेंज कर सकता है, बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेके आ सकता है, बॉडी की स्पीड चेंज कर सकता है, ठीक है। और ये सारे इफेक्ट जो हैं इकट्ठे भी लग सकते हैं, अलग अलग भी लग सकते हैं, क्लियर। अब ये देखो आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है, आप पानी की बकेट उठाते हो तो वहाँ पे फोर्स लग रही है, फोर्स कहाँ से आ रही है, अब ये क्वेश्चन है फोर्स आ कहाँ से रही है। तो फोर्स आपके पास क्या होती है, ट्रांसफरेबल होती है। एक बॉडी जो है जैसे मसल्स है, मसल्स के अंदर फोर्स है, ये मस्कुलर फोर्स लग रही है आपकी, ठीक है। तो ये मस्कुलर फोर्स जो है यहाँ पर ये काम कर रही है बकेट उठाने में, स्कूल बैग उठाने में, तो ये चीज़ें हैं, क्लियर। अब कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन सी है, मस्कुलर फोर्स तो कॉन्टैक्ट ही है भाई, देखो जैसे ये है गाय के ऊपर ये बैठा है तो ये इसको चला रहा है यहाँ से, तो ये चल रही है, तो मस्कुलर फोर्स है एनिमल की, वो यूज़ हो रही है ये बहुत सारा ये ले जाने के लिए, ठीक है। तो ये मस्कुलर फोर्स है यहाँ पे, मस्कुलर फोर्स जो है वो क्या है, कॉन्टैक्ट वाली है। जैसे आपने बकेट उठाई तो वो क्या है, कॉन्टैक्ट। अब जो है दूसरा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का पूरा चैप्टर है, इससे नेक्स्ट जो है हमारा फ्रिक्शन ही है, उसमें अच्छे से पढ़ाऊंगी। फ्रिक्शन बस इतना समझो, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है ना तो फ्रिक्शन उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। और ये हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अब कॉन्टैक्ट फोर्स में तो ध्यान रखना, दो फोर्स है, कॉन्टैक्ट वाली मस्कुलर है और फ्रिक्शन है, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट में कौन कौन सी है, मैग्नेटिक, जिसके कॉन्टैक्ट में नहीं लाना पड़े। एग्जाम्पल ये तो आपको सबको पता है, देखो तीन पेंसिल के ऊपर आपने ये चुंबक रख दी, मैग्नेट बोलते हैं जिसे। सेम पोल्स क्या करते हैं भाई, मैग्नेट के सेम पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, रिपेल करते हैं, ठीक है, रिपेल करते हैं मतलब दूर भागते हैं। तो देखो दूसरी मैग्नेट इसके पास ले आई, ये इसके पास आने लग गया, तो यानी कि ये सेम पोल थे, यहाँ से दूर भागने लग गया, तो ये क्या थे, अपोजिट पोल्स थे,
ठीक है, तो टच नहीं किया यहाँ पे, तो इसीलिए कौन सी फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट, कौन सी है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्सेज, एक्चुअली ना हमारे पास फोर्स जो है ना चार टाइप की होती है भाई, मैं आपको थोड़ा सा बता ही देती हूँ। सबसे पहली जो फोर्स होती है हमारे पास वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये आप इलेवंथ में पढ़ोगे। फिर होती है हमारे पास ग्रेविटेशनल, फिर होती है हमारे पास न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में दो टाइप होती है भाई, वीक और स्ट्रॉन्ग, ये अलग अलग पढ़ी जाती हैं इसलिए चार बन जाती है, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसीलिए यहाँ पे नाम आया है क्योंकि ये जो है नॉन कॉन्टैक्ट है, मतलब कॉन्टैक्ट में नहीं आती। कैसे, देखो आपने क्या किया, एक कॉम ले लिया, ठीक है, कॉम को ऐसे रब कर दिया, रब कर लिया, रब करने के बाद आपने कॉम को क्या कर दिया, चार्ज हो गया कॉम, और एक तरफ आपने क्या किया, छोटे छोटे पेपर के पीसेस कर लिए, ये एक्टिविटी आपने की भी होगी। क्या करो, उस पे जो है आप कॉम को चार्ज करने के बाद इससे लगाओ तो पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पे पड़े हुए चार्जेस से, ठीक है, ये इलेवंथ में आएगा आपके पास, क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखो, ये इसने दो स्ट्रिप का एग्जांपल लिया है, ये इसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, तो ये इसलिए जो है यहाँ पर आपके पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिर्फ जिक्र किया है कि ये आपके पास जो है कौन सी फोर्सेस आती हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी क्या हो गया, एग्जाम्पल नॉन कॉन्टैक्ट का, और एक लास्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल, ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। अर्थ जो है आपको पता है, ये पेन है, मैं नीचे गिरा दूँ, नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं गिर रहा भाई, ये पेड़ से जो फल गिर रहे हैं नीचे ही क्यों गिर रहे हैं, हर एक चीज़ नीचे ही क्यों जा रही है, ऊपर से हम छत से कूदते हैं नीचे ही क्यों जा रहे हैं, तो ऐसी फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसी गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, ये ग्रेविटी होती है, ये अर्थ के अंदर फोर्स है, लेकिन ये खाली अर्थ के अंदर नहीं है, ये कोई भी दो बॉडीज आपस में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, लेकिन हमें दिखती नहीं है ये, क्योंकि बॉडी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है, दोनों बॉडीज का मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो मास जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मास होने की वजह से, और डिस्टेंस जो है उनके बीच में, डिस्टेंस जो है आपके पास, मास जो है ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स जो है आपके पास यहाँ पे जो है ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है कि हमें नहीं पता, डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है तो ओवरऑल उसका स्क्वायर करके नेग्लिजिबल फोर्स निकलती है भैया, बहुत ही कम फोर्स आती है, तो जिसकी वजह से ये आप रीड नहीं करते, ठीक है, बहुत ही कम, आपको पता ही नहीं लगता कि ये फोर्स कितनी है, और यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट भी आता है, तो जिसकी वजह से फोर्स बहुत कम निकलती है, ठीक है। ये मास तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं मास, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है जी, ठीक है, इसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ के अलावा कोई भी दो बॉडीज लगाती है, और जो खाली अर्थ लगाए उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, अर्थ वाली को नाम दे दिया ग्रेविटी, क्लियर। तो ग्रेविटी खाली अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी दो बॉडीज हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, कैसे भी हो, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। प्रेशर है, प्रेशर का भी पूरा चैप्टर है भाई, प्रेशर का भी ध्यान रखो, फोर्स के साथ रिलेशन ये होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। जो प्रेशर है यहाँ पर, चलो इसको मैं बता ही देती हूँ, 9th क्लास में आएगा पूरा चैप्टर। प्रेशर जो है वो क्या होता है भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। जितना एरिया ज़्यादा होगा ना, उतना प्रेशर क्या होगा, कम होगा, इसको ऐसे समझो। देखो जो चीज़ ऊपर होती है ना, वो चीज़ अगर बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो ये भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। अगर ये चीज़ डिक्रीज हो गई तो ये भी घटेगी, ठीक है, डिक्रीज होगी। प्रेशर यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी, फोर्स बढ़ी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर घटा पर फोर्स भी घटेगी। और जो ये होता है दूसरा, इसको जो नीचे है एरिया, इसको बोलते हैं इनवर्सली, अगर नीचे आ जाए, वन के नीचे या कुछ भी नीचे आ जाए ना डिनोमिनेटर में, तो बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अब होगा उल्टा, अगर फोर्स प्रेशर बढ़ गया तो एरिया जो है वो क्या होगा, घट जाएगा, अगर प्रेशर कम हो गया तो एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, प्रेशर फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रिलेटेड मान सकते हो, ठीक है। और जो है एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली का मतलब होता है कोई चीज़ उल्टी होगी, और डायरेक्टली का मतलब डायरेक्ट होगी, जैसी वो हो रही है, ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी, ये घट रही है तो घटेगी। अब देखो एरिया से समझना है, अगर आपके पास ये कील है, ठीक है, ये कील क्यों ठुकती है भाई, क्यों ठुक जाती है, क्योंकि
जो आपके पास एरिया होता है ना इसका कील का, वो बहुत कम है, तो यहाँ से प्रेशर उस पर क्या लग जाता है, ज़्यादा, तो जिसकी वजह से ये ठुक गई। जो एग्जाम्पल एक और ले लो, एक चक्कू जो है आपके पास बढ़िया है, शार्प नाइफ है, एक जो है खुंडा नाइफ है, खुंडे को आप बोलते हो ब्लंट नाइफ और जो है ये बढ़िया वाला है इसको बोलते हैं शार्प नाइफ। अब बताओ किससे बढ़िया कटेगा, इससे बढ़िया कटेगा, इससे बढ़िया क्यों कटेगा, क्योंकि ये जो है कम एरिया लेगा, क्योंकि पेना है तो एरिया कम लेगा, ब्लंट है थोड़ा सा फैल जाएगा तो एरिया ज़्यादा कर देगा, प्रेशर कम लगा पाएगा। बैग है, बैग की यहाँ से जो स्ट्रिप होती है चौड़ी क्यों होती है, ताकि बच्चों पे प्रेशर कम लगे, एरिया ज़्यादा कर देते हैं। कुली है, ये कुली जो है या आपके पास ये ऊपर से इतना ज़्यादा, मतलब ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का रख लेता है ताकि इसका ये एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाए, प्रेशर कम लगे। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके थे आपके पास, प्रेशर के थे। अब प्रेशर क्या, लिक्विड और गैस भी प्रेशर लगाते हैं, तो हाँ बिल्कुल लगाते हैं भाई। लिक्विड और गैस देखो, दो ट्यूब ले ली, एक में पानी ज़्यादा भर दिया तो देखो गुब्बारा ज़्यादा फूल गया, तो बिल्कुल लगाते हैं भाई। लिक्विड ज़्यादा लगाते हैं आपके पास प्रेशर, ठीक है। और लिक्विड जो है आपके पास वॉल्स पे भी प्रेशर लगाते हैं, ध्यान रखना, लिक्विड जो है वॉल्स पे भी प्रेशर लगाते हैं। आपने क्या किया, बोतल है, बोतल के यहाँ पे जो है होल करके एक गुब्बारा फिट कर दिया, आपने देखा यहाँ से पानी से जो है गुब्बारा फूल गया, तो इसका मतलब वॉल्स पे क्या है, प्रेशर लगा। अगर आपने चारों तरफ छेद कर दिए तो इक्वली प्रेशर लगाता भाई, सारी तरफ से पानी इक्वल गिरेगा, तो प्रेशर लगता है वॉल्स पे, ध्यान रखना, और इक्वल लगता है, बस यही वर्ड आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ लिक्विड जो भी होगा वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा कंटेनर पे, ठीक है। अब क्या गैसेस भी एग्जर्ट करती हैं, तो गैसेस भी बिल्कुल करती है भाई एग्जर्ट, और जो गैसेस होती हैं, गैसेस आपके पास जो प्रेशर जनरेट करती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एयर जनरेट करती है। इसका एग्जांपल जो गाड़ी में चिपकू होते हैं उन्हीं से देख लो, उस पर फोर्स लगा के खींचना पड़ता है उसको, ठीक है। और जो भी ऐसे सक करने वाले होते हैं ना इस तरीके के, इनमें से एयर निकाल दी जाती है, तो इनको खींचने के लिए बहुत ज़्यादा जो है आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, वो इसीलिए क्योंकि इनकी एयर निकल चुकी है। अगर आपने ज़्यादा बाहर से एयर दी इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इससे ज़्यादा किया, तो आपके पास आप इसे खींच लोगे, अदरवाइज इसको खींचना मुश्किल है, ठीक है, खींच नहीं सकते आप इसको। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास क्या होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया, एक एरिया में, एक मीटर एरिया में जो है कितनी ग्रेविटी फोर्स लगी वो होती है, अगर आपसे कभी पूछ भी ले तो, ठीक है। तो ये था, और इसका एग्जांपल इसने यहाँ पे बनाया था कि गैस भी प्रेशर लगाती हैं, तो ये किसने बनाया था, ओटो वॉन ने बनाया था, ये ध्यान रखना भाई, जर्मन के साइंटिस्ट थे 17 सेंचुरी में, क्योंकि सीडीपी में भी पूछ लेते हैं भाई, साइंस में और जीके में भी आ जाती है, एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ आता नहीं है, तो एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसने क्या किया, दो बोल थी, बोलों को काट के और ऐसे जोड़ दिया आपस में, लेकिन आठ आठ घोड़े लगा दिए, तो उन्होंने तरफ तब भी ये क्या कर पाए, तब भी नहीं है इनको अलग कर पाए, यहाँ से इनकी एयर निकाल दी थी, ठीक है। तो ये जब तक आप बाहर से ज़्यादा प्रेशर नहीं दोगे तब तक इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिना जो है आप इनको अलग ही नहीं कर सकते, जो सकर है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो उसके अंदर से जो है उसको क्या कर दिया आपने, एयर निकाल दी, तो वो प्रेशर, उसने इतना प्रेशर उस पर दे दिया, अगर आपने प्रेशर ज़्यादा नहीं लगाया तो वो हटेगा ही नहीं उसमें से, ठीक है। इतना एनफ लगाना चाहिए कि उसके जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको क्या कर दे, कम कर दे, क्लियर। तो ये था भाई आपका चैप्टर नंबर 8 फोर्स, कल हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन, तब तक के लिए भी ऑल द बेस्ट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई लाइक शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, अपने यार दोस्तों तक पहुँचाना, क्योंकि भाई इतनी मेहनत करती हूँ मैं भी पढ़ाई के साथ, तो थोड़े से तो एटलीस्ट मोटिवेशन मिले, इनिशिएटिव मिले कुछ तो, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप स्माइलिंग।